हेलो गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैं आगे इसे बना रहा हूँ और मैंने स्टेयर्स पहले ही बना ली है। ठीक है, तो इससे ये रहेगा कि स्टेयर्स के मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से यहाँ पे बनाऊँ और फिर बोर करूँ। ठीक है, उससे बढ़िया है कि मैंने पहले ही बना ली है एंड उसके बाद अदर आज की जो चीज़ें हैं जो हमें देखने के लिए चाहिए वो हम पूरा क्रिएट करेंगे। जैसे फर्स्ट फ्लोर का एरिया क्रिएट करेंगे एंड बाहर से पूरी वॉल्स खड़ी करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा हमें एलिवेशन का लुक भी देखने को मिले। उसके बाद फर्नीचर वगैरह के जो मोटा मोटा जो साइज़ होगा हमारे पास, ठीक है, जो स्टैंडर्ड साइज है उस तरीके के ब्लॉक्स बनाएंगे। इसके बाद की वीडियो में हम उस फर्नीचर्स को एक एक चीज़ लेंगे एंड देन उसके बाद उसकी प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो सीलिंग, ठीक है, तो सबसे ऊपर पहले इसकी दीवारें आगे क्रिएट कर लेते हैं, वॉल्स पे आ जाते हैं। ये दीवार मैंने बाहर इसलिए रखी क्योंकि ये डबल हाइट है, इसकी वजह से ये दिखेगा इसीलिए। ठीक है, एंड ये यहां से ऐसे हो जाएगा। एंड इसकी हाइट भी हम 10 फुट रखेंगे। मैं सोच रहा हूँ आउटर वॉल्स को 6 इंच एक्स्ट्रा ही खड़ी करते एंड बीच वाली वॉल्स जो रहेंगी वो 6 इंच कम रह लेंगे, ठीक, ताकि एलिवेशन के टाइम पे वो दिखेगी नहीं सही से। तो 6 इंच से ऊपर करते हैं, 6 से, ठीक है। तो अब हम इससे यहाँ पे सीलिंग डिटेल कर लेते हैं अपनी। ये हमारी ऊपर की सीलिंग बन गई है। तो अब अंदर से जो हमें दिखेगा वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे सेक्शन कट कर लेते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये मैं सेक्शन कट कर लेता हूँ यहीं पे जस्ट अगली दीवार के आगे। ठीक है, सेक्शन को बंद कर लिया एंड सामने से हम देखेंगे तो ये देखिए, ठीक है। तो मैं इस एक व्यू को यहाँ पर रख लेता हूँ। तो ये देखिए, ये हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं फर्नीचर वाले एरिया से, ठीक है। तो सबसे पहले सीलिंग को बंद कर लेते हैं, देखिए, ठीक है, सीलिंग बंद हो गया एंड अब हम सेक्शन का एरिया भी ऐसे कवर कर लेते हैं। अब थोड़ा बेसिक इस पे आते हैं, जैसे ये है, ठीक है, तो इन्हें कवर कर लेते हैं। रूम, फर्नीचर, ठीक है, तो रूम फर्नीचर हमारा यहाँ है, तो अब उसे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या है कि जैसे ये मेरा बेड है तो ये बेड 18 इंच की हाइट पर रहेगा, ठीक है, ये भी यहीं पर रहेगा 18 इंच, ये मेरा ये है एंड ये 30 इंच पर रहेगा, ठीक है। तो इसे देखते हैं, ये 30 इंच पे है एंड हालांकि मैं बताता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं एंड ये एरिया भी 30 पे रहेगा, ये चीज़ 18 पे रहेगी, ठीक है,
बेसिकली जो ये एरिया है, ये सीटिंग बनेगा यहाँ पे, एंड ये हमारा स्टडी टेबल बनेगा, और ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हमारा साइड टेबल हो गया दोनों साइड, ये स्टडी टेबल और ये इसका स्टोरेज हो जाएगा, और ये नीचे सिटिंग एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि हम चाहते तो यहाँ पे लूज फर्नीचर भी रख सकते थे, ठीक है, एक सेट ही रख सकते थे या दो चेयर रख सकते थे, लेकिन मैंने प्रॉपर एक लंबी सेट ही बनाई है, तो इसे आगे देखेंगे। एंड फिर उसके बाद ये साइड टेबल हो गया हमारा, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम डब्ल्यू सी यहाँ रखने वाले थे, जैसे कि हम लेआउट में देखें तो ये हमारा डब्ल्यू सी का पॉइंट है, तो डब्ल्यू सी के लिए कम से कम 3 साढ़े 3 फुट जगह चाहिए होती है, तो मैं 3.25 फुट दी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पूरे 3.5 फुट जगह लेके चलता हूँ, ठीक है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, 3 फुट ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऑन साइड चीज़ें ज़्यादा हो ही जाती हैं, ठीक है, तब भी हम लेके चलते हैं, अभी मैं इतना ही ले चलता हूँ। एंड हाइट में ये 4 फुट हो जाएगी, तो वॉल्स पे आते हैं अपने, चार फुट ये यहाँ है, ठीक है, और ये 5 इंच एक्स्ट्रा निकल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो बाथरूम का फर्नीचर हो जाएगा, ठीक है, बाथरूम के फर्नीचर पे आते हैं, तो 2 फुट का ये हो जाएगा, 4.5 बाई 2 फुट का, ठीक है। और हाइट इसकी हो जाएगी टोटल, अभी हम लेके चलते हैं 24 इंची, ये 6 इंच होगी, सॉरी मतलब 30 इंची होनी चाहिए हाइट, तो 6 इंच और कर लेता हूँ मैं, हालांकि बस बेसिक मॉडल में अभी रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसे साइड में लगा लेते हैं, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ये बाथ का एरिया है, तो यहाँ पे हमें चाहिए एक स्टोरेज एरिया, मतलब निस चाहिए होती है ताकि शाबू शैम्पू वगैरह चीज़ें रख सके, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी डोर इस तरीके से खुल रहा है, तो शावर यहाँ पे आएगा एंड निश इस दीवार पे बनेगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इस तरीके से, तो फ्लोर से हम इसकी हाइट 3.5 फुट रखेंगे, ठीक है। एंड ये दोनों साइड 2 फुट 4.5 इंच जगह है, तो मैं इसे 21 इंच पे बनाता हूँ, इधर से 21 और ये 42 हो जाएगा टोटल, ठीक है। एंड फिर उसके बाद इसे 1 फुट हाइट देते हैं, और ये 42 इधर, हाइट थोड़ी थोड़ी वैरी करती है क्योंकि टाइल का जो साइज होता है उस पर भी, ठीक है। तो अगर हाइट, अगर आप 2x4 की टाइल लगा रहे हैं दीवारों पे, तो आप इसे कम भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसे 6 इंच ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो 4 फुट के बाद जो टाइल आएगी वो प्रॉपर कट जाएगी, ठीक है, ये देखिए। तो फिर आगे हम लेके चलते हैं, हालांकि इसे अभी यहीं रख लेते हैं 6 इंच पे, और ये चीज
इसे हम अंदर कर लेते हैं, इसकी डेप्थ आती है। ठीक है, इसे थोड़ा सही कर लेते हैं, ये फॉल्स में आ गया। ठीक है, एंड ये हो गया। अब हम आते हैं इधर अपने किचन वाले एरिया में, तो किचन के लिए बना लेते हैं। किचन तो यहां से स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, तो एक बार हम लेआउट देखेंगे फिर से। तो ये यहां पे है, इसकी लेंथ यहां पे ये देखिए 7 फुट 5.5 इंच यार, 7.5 फुट आ रही है ये। ठीक है, एंड ये तो पूरी है ही इतनी। तो स्टार्ट करते हैं यहां से, ये 2 फिट 7 फुट 6 इंच, 2 फिट और इसके बाद की जगह 30 इंच की, 3 फुट 3 इंच। हालांकि ये जगह बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हम बाद में अपने डिजाइन के हिसाब से इसे भी चेंज करेंगे अगर हमें लगता है कि ये ज्यादा है तो। ठीक है, एंड ये जगह जगह होगा 4.5 फुट, इसे हम देख लेते हैं। तो हम इसे 4 फुट जगह स्पेस रख लेते हैं, बाकी को काउंटर में ही डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किचन हो गया, इसकी हाइट 32 इंच हो जाएगी टोटल, और ये इधर से 3 फुट छोड़ के रहेगा। ठीक है, और इसकी हाइट 32 ही रहेगी, बस 2 फिट तक। ठीक है, तो हम इसमें 15 इंच यहाँ कर देंगे, और ये जगह हाइट 1 फुट और ऊपर आएगी। ठीक है, मेक ग्रो और इसे अपनी जगह पर रखते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारा किचन हो गया, एंड उसके बाद स्टेयर बन गए, दोनों सीलिंग हमने डाल दिए। ठीक है, तो अब इसमें बेसिक हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब हम एक एक चीज़ों को लेकर डिटेल में वर्क करेंगे उसके ऊपर। तो अगली बार जो मैं वीडियो आऊँगा तो उसमें हम इस बेडरूम का इंटीरियर करेंगे, और यहाँ पे हम टीवी भी लगाएंगे। ठीक है, तो इसी में मैं इसे ऐड कर लेता हूँ बाथरूम फर्नीचर में, सॉरी बेडरूम फर्नीचर में। तो रूम फर्नीचर ये है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इसे 6 फुट का और 15 इंच डेप्थ। ठीक है, तो इसे अभी 2 फुट ऊपर करते हैं, 3 इंच आगे और 4 फुट और। ठीक है, एक ग्रुप, और ये यहाँ आ गया। हम डिज़ाइन भी उसका इसके उसी के अनुसार चेंज करेंगे। तो अब आगे आते हैं, तो बेसिक चीज़ें मेरे हिसाब से मैंने बना ली हैं, तो और बाकी जो डोर वगैरह रहा, तो डोर और विंडोज वो सारी चीज़ें मैं क्लिक वन के नाम से, जो क्लिक चेंज है, ठीक है, क्लिक चेंज की जो हमारी प्लगइन है,
हम उसके अनुसार उसी से यूज़ करेंगे बेसिकली, क्योंकि अब जब से मैंने क्लिक चेंज यूज़ किया है देन उसके बाद से मैं फिर दूसरी चीज़ें यूज़ करता ही नहीं डोर विंडोज़ बनाने के लिए, क्योंकि एट द एंड क्लाइंट को अपने मर्जी से ही यूज़ करना होता है कि मुझे ये डोर चाहिए या कुछ भी, तो फिर दिखाने के लिए मैं इन्हीं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।